लाखों का जेवरात ले भागे अज्ञात चोर। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 9 से 10 लाख का जेवरात व 1,10,000 रुपए नगद की चोरी हुई। राजेश कुमार मिश्र पुत्र तारकेश्वर प्रसाद मिश्र ग्राम डीही खुर्द लैंडियारी कोराम व प्रयागराज के यहाँ रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई, जिसमें पीड़ित का कहना है 9-10 लाख तक का जेवरात 1,10,000 रुपए नगद चोरी में गया। पीड़ित पति पत्नी सो रहे थे, चोरों ने अपनी हिम्मत रखते हुए ताला खोलकर सारा धन उठा ले गए। जाकर ताला खुला पड़ा, देखकर अचंभित पड़ गए और परिवार के लोगों को जानकारी देते हुए मोहल्ले में टहलका मच गया। पीड़ित द्वारा 112 नंबर डायल किया गया, जिसमें 112 नंबर की पुलिस व चौकी लैंडियारी से पुलिस वाले आकर के घटनास्थल की मौके पर जांच कर पीड़ितों को आश्वासन दिए कि इसकी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। स्टार 7 लाइव से ब्रिजलाल चौधरी की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं ब्रिजलाल चौधरी स्टार 7 टीवी न्यूज से अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी घटना आप लोगों के बीच में दिखाने जा रहा हूं, जो कि ग्राम सभा डीही खुर्द में अज्ञात चोरों द्वारा असंभव को संभव कर दिखाया। यह चोरी का कार्य आप लोगों के बीच में दिखाने जा रहा हूं। अभी चल के रूबरू कराता हूं जिनके यहां चोरी हुई है। हाँ भैया, आप अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम भास्कर मिश्रा जी, ग्राम डीहीपुर जी, पोस्ट लड़ियारी जी, इलाहाबाद जी। आपके यहाँ जो ये चोरी का घटना हुआ, ये कैसे क्या है आपको कुछ? सर, रात में छत का गेट खुला हुआ था अचानक जी, वो लोग पीछे से आए, छत पे चढ़ गए जी, छत से घुस करके अंदर आए जी, और यहाँ से दो बादशाह एक अटे सूटकेस ले जाकर पीछे उसका ताला तोड़ करके जी, 1,10,000 रुपए नकदी जी, कम से कम 6-7-8 लाख का जेवरात सब लेकर निकल गए जी। जी जी, अच्छा, तो मौके पर यहाँ घर में कोई थे जी? परिजन की नहीं? जी 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 जी, बड़े भाई और उनकी पत्नी थी। अच्छा, पत्नी भी थी यहाँ पे जी? ठीक है, चल के उनसे थोड़ा रूबरू करवाइए। दोनों एक कमरे में सो रहे थे। देखिए, कमरे से सामान निकाला गया है। इनका पंडित जी का इतना बड़ा मकान व्यवस्थित बना हुआ है, फिर भी चोरों का इतना हौसला बुलंद बना करके चोरों ने इस घर में चोरी करने के लिए अपनी हिम्मत जमाई। देखिए, चल के आप लोगों के बीच में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनका मकान बना हुआ है, इतना मजबूती से मकान बना हुआ है, फिर भी चोरों ने अपना हौसला तेजी से यहाँ हिम्मत दिखाया। ये देखिए, ये चल के आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूँ, ये इनका मकान है। देखिए किस तरह से सारी व्यवस्था कंप्लीट है, मजबूत यहाँ खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, फिर भी चोरों ने, ये देखिए कितना अपना हौसला दिखाया। देखिए सारी व्यवस्था इनकी कंप्लीट है, मजबूती के साथ, फिर भी, और इसी कमरे में देखिए ये। हाँ बताइए, आइए, आप भी आइए। हाँ आइए आप तो। ये देखिए जो इनके यहाँ गहना जेवरात का चोरी हुआ है, इसी सब डिब्बे में गहना जेवरात भरा हुआ था। चोरों ने बक्सा सहित उठा कर ले गए और वहाँ घर के पिछवाड़े, ये देखिए। हाँ अभी चल के रूबरू कराता हूँ जिन बहन की सारी जायदाद जेवरात चोरी हुई है। आप अपना नाम परिचय बताएं। सरोज मिश्रा। अच्छा अच्छा, पति जी का क्या नाम है? राजेश। अच्छा, ये चोरी आपको कुछ आभास है कैसे हुई? आप लोग घर में थे, सो रहे थे? नहीं, हम लोगों को आभास है, जब सुबह हम उठे जी तो झाड़ू लगाने लगे और उसके बाद जब ये कमरा खोले तो देखे तो भाई अटैची और बॉक्स नहीं था जी, तो हम बोले इसी बार सोचे भाई छत पे ले गए होंगे, छत का गेट खोलने चले गए जी जी। फिर हम इनको बोले तो बोले कि नहीं हम तो नहीं ले गए, बस हो गया, इसी में सबको बुलाने लगे भाई चोरी हो गई जी। अच्छा, तो क्या क्या सामान गया आपको निगरानी किए आप मालूम हुआ? सारे जेवरात सारे चले गए। अच्छा अच्छा जी, ये बक्सा उक्सा जो था, ये बक्सा था वो दो बॉक्स था और ये सूटकेस। ऐसे चल के बताइए थोड़ा। हाँ, एक बॉक्स था। हाँ ऐसे है,
फिर ये सब कहाँ मिला है आपको? ये पीछे मिला है, घर के पीछे। चलिए चलिए आप लोग, ये देखिए चोरों ने सारा सामान उठा करके, ये गेट बंद था, इनका कहना है कि ये ताला यहाँ बंद था, लेकिन उसको भी यहाँ खुला देखे ये लोग, चोरों ने ले जा करके यहाँ तोड़ा गया है और वहाँ रखा गया है। अच्छा अच्छा, यहाँ तोड़ा गया है वहाँ रखा गया है। देखिए जहाँ यहाँ सामान चोरों ने बक्सा तोड़ करके निकाला, यह स्थान है, और वहाँ चल के दिखाइए थोड़ा, ये देखिए ये चोरों का हौसला, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ ला के रखा गया था। जी जी, यहाँ ये बड़ा बक्सा था, यहाँ छोटा बक्सा, जी ये दोनों यहाँ रखा गया जी। देखिए चोरों ने अपनी कितनी बड़ी हिम्मत दिखाया कि सारी व्यवस्था होते हुए भी यहाँ इनके यहाँ इतनी बड़ी चोरी का घटना दिखाया, सारा जेवरात पैसे उठा ले गए, और अपनी हिम्मत इतनी जताए कि तनिक भी भय नहीं खाए। जैसे आपके संज्ञान में कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 10-11 लाख का। अच्छा अच्छा, इससे तो ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं है। चलिए 1,10,000 तो कैश है जी, और 8-9 लाख का गहने गया है। अच्छा अच्छा जी, उनका था, भाभी का मेरे और बड़ी मम्मी का भी था। जी जी जी, चलिए ठीक है। देखिए भाई साहब जिनके यहाँ चोरी हुई है कितने दर्द में भावुक हुए हैं। अच्छा, ये जानकारी आपने थाने चौकी पर कहीं पुलिस विभाग को इतला दिया? नंबर भी आई थी जी, और थाने से दरोगा भी आए थे, लिख पढ़ के गए हैं। अच्छा, कुछ आश्वासन दिए? जी यही बोल के गए हैं, खोज करेंगे, इसकी सुराग मिलेगी तो आपको हम करेंगे। जी जी, और कोई आपको सुराग मिलती है तो आप भी बताइए उसी समय में। ठीक ठीक, धन्यवाद। जो उनका कर्तव्य होता है वही कर पाएंगे, कानूनी प्रक्रिया करेंगे भाई। जी चलिए ठीक है, ये वारदात आप लोगों के बीच में दिखाया मैं, धन्यवाद।